हलचल टीवी न्यूज। गुरबचन सिंह ने वड्डा बयान दिंदिया किया है कि श्री अकाल तख्त साहिब वालों डेरा सिरसा सच्चा सौदा नूं मुखी नूं किसी भी तरह की माफी नहीं दिती गई है। इत्थे एक धार्मिक समागम अते मेडिकल कैंप नूं लैके करवाए जा रहे समागम च विशेष तौर ते पहुंचे साबका जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने किया है कि डेरा सिरसा वालों श्री अकाल तख्त साहिब विखे माफी लई पत्र जरूर भेजा गया सी, पर उसका पत्र का जवाब अजे तक नहीं दिता गया। उन्होंने यह भी कहा है कि पंज सिंघां वालों डेरा सिरसा वालों आए पत्र ते विचार चर्चा जरूर की गई सी, पर डेरा सच्चा सौदा नूं किसी तरह की माफी नहीं दिती गई है। श्री अकाल तख्त साहिब ये प्रभु सत्ता संपन्न एक आजाद स्थान है, ये गुरुद्वारा नहीं है। ये श्री अकाल तख्त साहिब गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने इसकी रचना की है। ये ते जो फैसला किया जाता है, जिहड़े फैसले लै जांदे ने वो किसी के कहण ते नहीं लै जांदे, ना किसी के प्रभाव विच आ के लै जांदे। वो संगतां दे भावनावां नूं ध्यान विच रखदिआं होइआं सारे फैसले इत्थे लै जांदे ने। इत्थे बहुत वड्डे सत्कार भी दित्ते जांदे ने ते इत्थों जिहड़े पंथ दे दोखी ने उहनां नूं पंथ विच्चों छेकिआ भी जांदा, जो इतिहास तुहाडे सामने गवाह है। इह जिहड़ा सरसा दे साध दी माफ़ी दा मसला है, ये पहला तुसी आप वो चिट्ठी जरूरी पढ़ लेनी चाहिए। तुहानू एप्लीकेशन कोई भी दफ्तर च दे सकदा, तुसी आम जिहड़े दुनियावी दफ्तर ने उन्हां दे विच तुसी डीसी नूं जाके अपनी दफ्तर विच एक अर्जी देंदे हो भी मैनू आ चाहीदा है, वह अगे डीसी की मर्जी आ तुहानू देवे चाहे ना देवे। उन्हें भी अपना एक लैटर भेजा है अकाल तख्त साहिब दे उत्ते, जिहड़ा पंज सिंह साहबां ने विचारिया है उहनू लैटर नूं प्रवान कीता है। उहदे ते जिहड़ी अगली कारवाई उह अजे होणी है, अजे उहदी कारवाई होणी, अजे उहनू माफ नहीं कीता गया। इस करके उह अजे माफ़ी वाली गल नहीं हैगी, इह एक सोची समझी साज़िश दे तहत रौला पा दिता गया, ना उहनू माफ़ कीता गया, ना किसी दे कहण ते कोई गल होई है। ये अकाल तख्त का अपना फैसला, नहीं माफी वाला कोई मसला ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा जी, मतलब इस गल पार्टी पंथक तू उथो पंथक वाले मामले तो ये क्यों फाड़ हो गई? देखो सियासी इन्हां दीआं गल्लां हुंदीआं ने, मैं तो कहना चाहना भी सारे पंथ नूं इक प्लेटफॉर्म ते इकट्ठे होना चाहिए, मेरा तो यह कहना। सर जिदा टंडरी वाले ने कहा भी मेरे नाल डिबेट कर लैन भी जित्थे मर्जी आ गए, उह मर्जी की कहना चाहोगे? टंडरी वाले दे संबंध विच जायदार श्री अकाल तख्त ने जो आदेश कीता उहदे ते अमल करे, उस तों अगली गल फिर हो सकदी है। अच्छा, वह मैं कह चुका हूं, सवारा तुसीं उह देख लेना, कल नूं आजूगा, मैं जो कहना सी कहता। सोखी परिवार ने यह जो बहुत वड्डा उपराला किया है, अपने बजुर्गों की याद में मेडिकल फ्री कैंप लाया जा रहा है, जिस दे विच बहुत सारे लोड़वंदां नूं इमदाद मिलेगी, और इहदे विच एक भाईचारक सांझ कायम हुंदी है, इहदे विच मेर तेर खत्म हुंदी है, इहदे विच जातिवाद खत्म हुंदा है, एक समुचा भाईचारा कायम करने वास्ते ये बहुत वड्डा एक शलाघा योग उपराला है, सानू सारे ने दे सहयोगी बनना चाहिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डिबेट करने वास्ते तो बार बार जथेदार श्री अकाल तख्त साहब जी वालों ये अपील की जा रही है, कमेटी बनाई हुई है कि जो गल संवाद ना विचार ना हल हो सकती है वह तकरार नाल हो नहीं हो सकती, क्योंकि तकरार नाल तो हमेशा दूरियां वधदियां ने, पाड़े वधदे ने, मिल बैठ के ही ऐसे जिहड़े मसले ने जो पंथक मसले ने उन्हां ता बैठ के विचार करके ही हल किया जा सकता है। बहुत जिनी भी निंदा की जाए डी जी पी के बयान की उन्नी थोड़ी है कि एक जिम्मेवार अहदे ते बैठा होया व्यक्ति जो कि समुची पंजाब की पुलिस का मुखी है, उहदे वल्लों जो सिखां दा पावन स्थान पाकिस्तान स्थित गुरद्वारा करतारपुर साहब है
ਔਰ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਲਮੇਲ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਖੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸੋਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਜਨਿਕ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਫ੍ਰੀ ਸਮਾਧਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ? ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚੱਲੇਗਾ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਖੁੱਲੇ ਨਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ 100% ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ, PR ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਸੌਤਨ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਮਨ ਜਾਇਆ ਪਿਆਰ, ਬੱਚੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 97795-056-68। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੋ, 9779595056-68।